स्वातंत्र्यवीर शहीद टिपू सुलतान ज्यांनी आपल्या शासन काळामध्ये राजपदावर कार्यरत असताना विविध शोध लावले, यामध्ये युद्धात वापरले जाणारे मिसाईल रॅकेटचा शोध शहीद टिपू सुलतान यांनी लावला. टिपू सुलतान यांचे वडील हैदर अली यांच्याकडे 50 पेक्षा जास्त रॉकेटमॅन होते. टिपू सुलतान यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मिसाईल रॉकेटचा जास्तीत जास्त उपयोग केला, ज्यामुळे त्या काळात इंग्रजांमध्ये एक दहशत निर्माण केली होती. यामुळे त्यांना मिसाईल रॉकेटमॅन म्हणून ओळखले जाते. शहीद टिपू सुलतान हे सर्वधर्म समभाव असा संदेश देत त्यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त भव्य रॅली काढण्यात आली. या रॅलीची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून हिंगोली शहरातून भव्य रॅली काढण्यात आली. यामध्ये स्वातंत्र्यवीर शहीद टिपू सुलतान यांच्या वेशभूषेत रथ घोडे ढोलताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने सर्वधर्मीयांच्या नागरिकांनी हजेरी लावून MIM जिल्हाध्यक्ष हाजी शेख बुरहान पहलवान यांनी केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला. यावेळी MIM महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष अब्दुल गफार खादरी, मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष फिरोज खान लाला, जिल्हाध्यक्ष हाजी शेख बुरहान, हिंगोली शहराध्यक्ष इब्राहिम खान, हिंगोली महासचिव मोईन शेख, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष हाशमी मोहिद्दीन, विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष वाजिद बेग तसेच पक्षाचे सर्व पदाधिकारी नागरिक मोठ्या संख्येने या रॅलीत सामील झाले होते. एबी न्यूज मराठीसाठी हिंगोलीहून प्रतिनिधी फारुख शेख. टिपू सुल्तान की रैली का आगाज़ किया गया है. वो एक बहादुर थे और स्वतंत्र वीर थे. वो उन्हों की बहादुरी की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है. उनकी तारीख गवा देती है कि वो हर समाज को लेके चलते थे. सारा उनका सबके साथ में उनके अच्छे संबंध थे. उन्होंने अंग्रेज़ों के सिंगात लड़ाई लड़ी है और उन्होंने एक संशोध का शोध लगाया था. वो ये सारी बहादुरियाँ देखते हुए हम लोगों ने उनकी रैली का आगाज़ किया है और हम आज से नहीं उनको पहले से ही उनकी जयंती के पैदाइशी दिन के अंदर में हम कुछ तो भी काम रैली का करते रहते हैं. और हमने जो रैली शुरू किया है, हमने ये रैली रेस्ट हाउस और शिवाजी पुतले के पास से शुरू किया है और वहाँ से ही हमेशा करते हैं. उनके पुतले को एक हार डाल के उनके, वो भी हमारे हिंदुस्तान के अच्छे राजा थे, इसलिए उनका भी हम आदर्श करते हैं. और वहाँ से ही हम लोगों में हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई वहाँ से जुड़ के फिर हम शहर के तरफ जाते हैं. इंदिरा पुतला, इंदिरा पुतले से महराज कार्नल में गए हैं. महराज कार्नल में मेरे जो सहयोगी नगर सेवक थे उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया. निहाल भैया थे, शकील भाई थे, हमारे मुजीब कुरैशी थे, जो लोग थे उन्होंने हमारा स्वागत किया है. उसके बाद हम गांधी पुतले को एक हार डाला है क्योंकि गांधी जी ने लड़ाई से हिंदुस्तान नहीं जीता, उन्हें दिमाग से हिंदुस्तान जीता. और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने में गांधी साहब का, अबू कलाम का, ये सारे उलमाओं का, मौलाना का, ये लोगों का सबका सहयोग रहा है. तो वो सिरे गांधी जी को मिला है, उसलिए उसको भी हमने हार डाला है. उसके बाद में हम अंबेडकर पुतले के पास गया है. अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उन्होंने उनके संविधान की हम कदर करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को भी एक उनके पुतले को हार डाला है. और वहाँ से सरकारी दवाखाने गन से लेके हम फिर खुराना के पंप पे आए. पंप से सब गाजे बाजे से, बहुत सेनाइयों से आए, नाचते गाते आए, सारी खुशियाँ मनाते आए. और उसके बाद में हम
आकरे मेडिकल तक वहाँ से बजाते आए, फिर उसके बाद में हम अपनी ऑफिस का आए और रैली समाप्त किया है। वहाँ हमको पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला, वहाँ पत्रकार का भी साथ मिला और उसके बाद में हमारे पार्टी के सब सही लोगों का सहयोग मिला और मेरे बाहर के आने वाले मेहमानों का, मेरे भाइयों का, उनका भी साथ मिला, हिंदू भाइयों का भी साथ मिला। रैली का आखिरी फाइनल किया, ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेरे दो शब्द करता ख़त्म करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र।